ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री के लिए उत्तराखंड को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। भाजपा के सामने दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। पार्टी हाईकमान के ऐलान का सभी को इंतजार हो रहा है। हर कोई इस इंतजार में है कि आखिर किसे मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा, जहां विधायक दल की बैठक में ये फैसला होगा और इसके लिए पर्यवेक्षक भी जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेंगे। पार्टी हाईकमान के ऐलान का हर कोई इंतजार कर रहा है। सूची में जहां कई नाम शामिल हैं, देखना होगा कि आलाकमान किस पर फैसला लेता है। उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद भी भाजपा के सामने मुख्यमंत्री का चुनाव बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दावेदारों की लंबी सूची हो चुकी है, लेकिन अभी तक हाईकमान सीएम फेस को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाया। और अनु, कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला अगले 2 दिन के भीतर हो जाएगा। जब तक प्रदेश में विधानमंडल दल की बैठक नहीं होगी, पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं करेंगे। और ऐसे में लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। जहां दावेदार अपनी उम्मीदों के साथ हैं, तो वहीं प्रदेश में अधिकतर नेता पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या धामी को फिर से सूबे की कमान मिलेगी या फिर कोई नया चेहरा उत्तराखंड का सीएम बनेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अच्छी सरकार बनेगी और हम उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की जनता ने इस होली पर हमारी पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत दिया है, 2/3 बहुमत दिया है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर ये सरकार लगातार बनी है, पहली बार मिथक टूटा है, नया इतिहास बना है उत्तराखंड की जनता का। मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। जनता चाह रही है कि धामी जी आएं। आपका जो व्यवहार स्वभाव रहा है इस दौरान 7-8 महीने में, तो बहुत शालीनता वाला रहा है। होली के अवसर पर भी वो चाह रहे हैं कि फिर से आप। नहीं, मैं उत्तराखंड की जनता का आभारी हूं कि मेरे देश के, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने जो काम मुझे दिया था, उत्तराखंड की जनता ने उस पर पूरा आशीर्वाद हमारी पार्टी को दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर उन्होंने मोहर लगाई, उन्होंने पक्का किया, तो निश्चित रूप से मैं जनता का आभारी हूँ। हमारी गवर्नमेंट आ गई है, मुझे खुशी है, और अब विधानमंडल दल की जल्दी मीटिंग होगी और जल्दी हमारा डबल इंजन की सरकार तेजी से भागी। अब देखिए, होली के बाद सभी विधायकों को दून आने के लिए कहा गया है, लेकिन पूर्व मंत्री बिशन सिंह चौफाल पिथौरागढ़ से होली वाले दिन ही दून रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि चौफाल के पास संगठन का फोन आया हुआ था और उन्हें देहरादून आने के लिए कहा गया था। इस दौरान जब बिशन सिंह चौफाल से बात की गई, तो उन्होंने सिर्फ प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की जल्दी से जल्दी सरकार शपथ ले रही है और खुशियों के साथ सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं इस होली के पर्व पर और ये जीत के पर्व पर। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और जितने भी लोग यहाँ पर सारे कार्यकर्ता हैं, इनको सबको होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना देते हुए इनका शुभ हो और होली का त्यौहार सबके लिए मंगलमय हो। पर चौपाल की इस तरह से देहरादून बुलाए जाने पर इसे एक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि नाम बहुत हैं, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। फिलहाल एक बड़ी जानकारी मिल रही है, विधानमंडल दल की बैठक के अगले दिन हो सकता है शपथ ग्रहण। ये जानकारी है 21 मार्च को हो सकता है उत्तराखंड सरकार का ये शपथ ग्रहण, 20 मार्च को पर्यवेक्षक करेंगे विधानमंडल दल की बैठक। और विधायकों की बैठक के बाद सीएम का ऐलान हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। नए सीएम को लेकर भाजपा में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, लंबी लाइन है, लेकिन उस लाइन में से चुनाव किसका होगा, किसको मिलेगा ताज, इसको लेकर अभी भी मंथन लगातार जारी है। विधानमंडल दल की जब बैठक हो जाएगी, पर्यवेक्षक बैठक लेंगे, उसके बाद विधायक क्या चाह रहे हैं, वो किसको विधायक दल का नेता चुनना चाहते हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश होगी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी सीएम के दावेदार को लेकर। 20 मार्च को पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। उत्तराखंड में होली की धूम लगातार दिखाई दी, धूमधाम से होली को मनाया गया। देवभूमि से होली की उमंग और उल्लास ऐसा ही हर ओर छाया रहा देवभूमि में, उसी की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। होली के उल्लास की 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर होली की धूम दिखाई दी, तो वहीं राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी होली खेली। उधर हरीश रावत ने अपने आवास पर होली मनाई। टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय होली के रंग और गुलाल में रंगे हुए नजर आए, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
यूपी की देवभूमि में किस तरह से होली मनाई गई, जहां राजनेताओं ने भी जमकर होली खेली है। उनसे मुलाकात करने के लिए उनके कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए थे और सभी ने गुलाल अबीर लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। जहां ये दिन होता है एक मनमुटाव को दूर कर एक दूसरे को गले लगाने का और सभी मनमुटाव खत्म करने का। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल से अभी तक पर्दा नहीं हटा है। 20 तारीख को पर्यवेक्षक भी उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, उसके बाद सीएम के चेहरे के ऐलान की संभावना है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली में लगभग मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग गई है, बस उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मुख्यमंत्री आवास पर होली का उल्लास है। पार्टी कार्यकर्ता कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी को रंग और गुलाल लगा रहे। होली है, इस पर सब बैर भूल जाते हैं, कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहता, इसीलिए धामी भी पार्टी कार्यकर्ताओं को रंग और गुलाल लगा रहे। होली का गुलाल इस कदर उड़ रहा है कि माहौल हरा भरा हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहमान नवाजी के लिए मिठाइयां मंगवाई गई हैं। सीएम आवास पर मौजूद लोगों का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी की पत्नी को भी कुछ पार्टी कार्यकर्ता होली की बधाई दे रहे हैं। कुछ महिलाएं गीता धामी को रंग लगाकर होली सेलिब्रेट कर रही हैं। वहीं कार्यकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। सभी को मैं होली के शुभ अवसर पर सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की हमारी तरक्की हो, सभी लोग सुखी हों, सभी की मंगल कामनाएं, सभी लोगों के जो भी मनोकामनाएं पूरी करें, भगवान सबको रक्षा करें, हर प्रकार से उन्नति करे, समृद्धि करे। मुख्यमंत्री आवास पर गीत संगीत की महफिल भी जमी हुई। कलाकारों की ये टोली होली के गीत गा रही, जिससे माहौल पूरी तरह से रंगीन। इन कलाकारों ने पहाड़ी गाने पेश कर माहौल में समा बांध दिया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले ये जानकारी आपको दे दें, उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी होली मनाई। देहरादून स्थित आवास पर हरीश रावत ने अपने परिवार के लोगों के साथ होली मनाई। इस दौरान हरीश रावत होली के गीतों पर ढोल भी बजाते हुए नजर आए। पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। और होली का जो रंग है इस बार किस तरीके का देखा जा रहा है, क्योंकि पूरा चुनावी माहौल रहा, रिजल्ट आ गए और वो सब चले गए। चुनावी होली थी वो हो गई, अब जो है रंगों की होली है, खुशी और उमंग उत्साह की होली है, परिवर्तन की होली है। और हम चाहते हैं कि सबके लिए मंगलमय हो, बहुत ही खुशनुमा हो, और विशेष तौर पर उत्तराखंड के लिए वो गुलाबी गुलाबी हो। नई सरकार उनके सपनों को साकार करे, नई ऊंचाइयां दे, और हमारी शुभकामनाएं हैं अगले 5 साल उनके लिए। और उत्तराखंड वासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जो 5 साल उनके आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी, इन 5 सालों में पूरी हो जाए ब्याज सही। 10 तारीख को सर रिजल्ट आ गया था, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं, पूर्ण बहुमत है भाजपा के पास, इससे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस होली में भी जो नए सीएम होते हैं उनको गुलाल लगाने जाते लोग। हम जो कह रहे हैं भैया 5-7 दिन और ले लो, मगर ऐसा मुख्यमंत्री दे देना जो 5 साल चले। उत्तराखंड जो है 5 साल मुख्यमंत्री चलता देखने के लिए बड़ा तरस गया है, और कितनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीता और कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता। मैं ही हूँ जिसने हिम्मत की है, और तो सब इधर उधर गज बजा गए। तो ये ना हो, बल्कि पिछले 5 साल उत्तराखंड के लिए बड़ी ताजगी और मजाक के रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं, तो अब वैसी स्थिति ना आए, इसके लिए 5-7 दिन और ले लें। राजनाथ सिंह जी से मेरा आग्रह, हमारे समधी हैं उत्तराखंड के, कि भाई पहले जो गलती की समधी साहब, अब इस बार गलती मत करना, 5 साल चलने वाली सरकार देना।
हरीश रावत जी की धर्मपत्नी रेणुका रावत जी भी हमारे साथ हैं। मैम, अभी तक आप बहुत खूबसूरत होली के गीत भी गा रही थी। इस बार कांग्रेस के भीतर कुछ कार्यकर्ताओं में निराशा ज़रूर है, लेकिन आपका परिवार जब भी देखता हूँ तो इसी तरीके से उत्साहित रहता है। अब हमारा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है कि हम उत्साहित रहें, अपने दुख को ना जतलाएं, क्योंकि लोग हमारे पीछे लाखों हैं, हजारों हैं, हरीश रावत जी के अनुयायी, उनके कार्यकर्ता जो कई वर्षों से हमारे साथ हमारा साथ निभा रहे हैं, हमारे सुख में दुख में। अगर हम ही लोग निराश हो जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? इसलिए हम हर परिस्थिति में, चाहे सम परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति हो, हम हर परिस्थिति में खुश रहने की और अपने को खुशी अपनी खुशी जाहिर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अनुपमा जी भी हैं, इस बार हरिद्वार ग्रामीण से जीत कर आई हैं। और अनुपमा जी, इस होली के त्यौहार में आप परिवार के साथ हैं, और लेकिन किस तरीके से और प्रदेशवासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को कितनी एक उत्साहित की एक उम्मीद जो होनी चाहिए होली पर, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ और आपके माध्यम से होली की शुभकामनाएं अपने हरिद्वार ग्रामीण के परिवार को देती हूँ, प्रदेशवासियों को देती हूँ और पूरे देश को देती हूँ। और यही कहूँगी कि अपने स्वरूप की तरह यह त्यौहार जो है सबके जीवन में खुशियाँ और उमंग और मिठास भरे, पूरी उम्मीद है। तो बिल्कुल, हरीश रावत जी का परिवार यहाँ पर है जो होली मना रहा है, तमाम लोग भी उनसे मिलने यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी होली का त्यौहार आता है तो हरीश रावत इसी तरीके से होली को अपने चिरपरिचित अंदाज में मनाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरीश रावत ने अपने ही अंदाज में एक बार फिर से भाजपा पर तंज कसा है। हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहाने भाजपा पर तंज कसा। होली की सब को है, भाजपा के दोस्तों को भी बहुत बात है। आज सुबह मैंने उन पर एक रंग भरी पुचकारी अपने